बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में पूनम नाम की एक लड़की अपनी माँ मीरा और अपने पिता शिवराम के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। पूनम की माँ घर के काम किया करती थी और पूनम के पिता गली गली सब्जियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। शिवराम की सब्जियाँ बेचकर जितनी भी कमाई होती थी उनसे वह अपने घर का खर्चा और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाया करता था। एक दिन सब्जियां बेचते समय शिवराम का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। गांव वाले शिवराम को इस हालत में देखकर जल्दी से अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। तभी गांव का एक बंदा जब यह खबर मीरा को देता है, यह सुनकर मीरा अपनी बेटी के साथ तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है। इस स्थिति में शिवराम से उठा भी नहीं जाता था। यह सब देख पूनम और उसकी माँ बहुत दुखी होती है। शिवराम के इलाज की चिंता की वजह से मीरा भी अक्सर बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण पूनम के ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी थी। पूनम जैसे तैसे अपने घर के काम संभालती है और एक दिन पूनम अपनी माँ से कहती है, माँ गांव में सब्जियाँ बेचने से इतने पैसे नहीं हो पाते हैं जिससे हम अपने पिता का इलाज करवा सके। यहाँ तक कि हम एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे पैसे कमाने के लिए शहर चले जाना चाहिए। अगर मैं शहर जाकर किसी के घर में नौकरानी की तरह काम भी करूँगी फिर भी मुझे फल बेचने से ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। बेटी तू सही कह रही है और तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तू शहर जा और हमारी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपना और तुम्हारे पिता का ध्यान रख लूँगी। और इस तरह अगले दिन पूनम शहर के लिए रवाना हो जाती है। ट्रेन में लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद शहर पहुँचते ही पूनम घर घर जाकर लोगों से काम मांगने लगती है। वह दिन भर भटकने के बाद भी पूनम को कहीं काम नहीं मिलता। पूनम मन ही मन सोचने लगती है, 3 दिन हो गए हैं और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पर किसी को नौकरानी की जरूरत नहीं है? मेरे पास थोड़ा बहुत काम था, अब वो भी खत्म हो गया है। अब मैं इतने बड़े शहर में क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? और अगर मैं गांव खाली हाथ वापस गई तो माँ को कितना बुरा लगेगा। हे भगवान मेरी मदद कीजिए। पूनम वहाँ खड़े होकर ये सारी बातें सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है और बोलती है, बेटी मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यह पैसे ले लीजिए और इनसे कुछ खा लेना। पूनम बूढ़ी औरत को पैसे देकर वापस से इधर उधर काम ढूंढने लगती है। कुछ देर तक चलने के बाद पूनम को 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे पूनम से कहते हैं, दीदी दीदी हमारी दादी बहुत बीमार है, इसीलिए हमें उनके लिए दवाई खरीदनी है, क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकते हैं? मेरे पास अब केवल 10 रुपए ही बचे हैं जो मैंने अपने लिए बचाए हैं। यह लो ये पैसे, तुम लो और अपनी दादी की दवाई खरीद लेना। दीदी क्या आप हमारे साथ हमारे छोटे से घर में चलोगी? हम अकेले अपनी दादी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते हैं। पूनम को बच्चों की बातें सुनकर उन पर तरस आ जाती है और वो उनके साथ उनके घर चली जाती है। पूनम उन दोनों बच्चों के घर जाते ही वह दोनों बच्चे और उसकी बूढ़ी दादी तीनों परी के रूप में बदल जाते हैं। असल में वे तीनों परी लोग की 3 राजकुमारियां थी। तभी पहली परी कहती है, बेटी हमें पृथ्वी पर ऐसे इंसान की तलाश थी जो बहुत नेक हो, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। हम परी लोग के परियां पृथ्वी लोग पर गरीब लोगों की मदद करने आती हैं, लेकिन एक डायन ने हमें यहाँ पर कैद कर लिया है और इसलिए हम सब इस झोपड़ी के बाहर कहीं नहीं जा पाती है। मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि परियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और उनके पास उनकी जादुई शक्तियां होती है, तो आपके पास क्या कोई भी शक्तियां नहीं है? हमारी जादुई शक्तियां हमारी जादुई छड़ी में होती है। जब मेरी उस चुड़ैल से लड़ाई हो रही थी तब मैंने अपनी जादुई छड़ी वही एक जादुई घर में छुपा रखी थी। यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत घना जंगल है, वहाँ तुम्हें जादुई 3 घर दिखाई देंगे। हम तीनों परियां अभी बिना अपनी जादुई छड़ी के उस जादुई घर में नहीं जा सकती हैं। इसीलिए क्या तुम हमारी जादुई छड़ी वहाँ से ला सकती हो? लेकिन मैं जादुई घर में जाऊंगी कैसे? मेरे पास जादुई 3 घरों की चाबी है, उन 3 घरों में केवल वही लोग जा सकते हैं जो नेक और दूसरों की मदद करने वाले हो। पूनम परियों की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। हाँ मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और आपकी जादुई छड़ी लेकर ही आऊंगी। इसके बाद पहली परी पूनम को उन जादुई घरों की चाबी दे देती है। चाबी लेकर पूनम जंगल की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते पूनम जंगल के बीचों बीच आ जाती है।
थोड़ा और आगे चलकर उसे जंगल के बीचों बीच एक सीढ़ी आसमान की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। पूनम बिना सोचे समझे उस सीढ़ी पर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर उसे जादुई तीन घर दिखाई दे जाते हैं। पूनम के वहां पहुंचते ही पहला घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगे तो तुम्हें मैं बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर हो जाओगी। नहीं नहीं, तुम मेरे इस घर में आओ, मेरे इस घर में ढेर सारा पैसा मिलेगा जिससे तुम बहुत बड़ा आलीशान घर खरीद सकते हो और जितना मर्जी पैसे खर्च कर सकते हो। दोनों घरों के बोलने के बाद तीसरा घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के नहीं दे पाऊंगा और ना ही तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे, लेकिन मेरे इस घर में तीन जादुई छड़ी है, मैं तुम्हें वह जादुई तीन छड़ी दे दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परियों की मदद करना चाहती हो या खुद अमीर बनना चाहती हो। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं पैसे और सोने चांदी नहीं लूंगी। मैं परियों की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त यह बहुत परेशानी में है, इसलिए मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। पूनम के इतना बोलते ही पहला और दूसरा घर बोलता है, पूनम तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम कभी लालच नहीं करती हो, तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर हम सब बहुत खुश हैं। हाँ, यह घर सही कह रहा है, हम तुम्हारी उदारता देखकर हम दोनों तुम्हें खुश होकर अपने अपने घर से सोने के सिक्के और पैसे देना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों घर के सोने सिक्के और ढेर सारे पैसे वहाँ प्रकट कर देते हैं और पूनम को दे देते हैं। उन दोनों घर को सर झुकाकर पूनम धन्यवाद देती है। इसके बाद पूनम उस जादुई तीसरे घर के अंदर चली जाती है। पूनम अंदर जाकर देखती है कि वहाँ जादुई तीसरा घर तो काफी आलीशान और सुंदर था। पूनम बिना समय गवाए जल्दी से परियों की वह तीन जादुई छड़ियाँ ले लेती है। उसके बाद पूनम परियों के पास जाकर उन्हें वह छड़ियाँ वापस कर देती है। सभी परियाँ खुशी से कहती है, सच में पूनम तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वह धन दौलत को चुनती, लेकिन तुम धन दौलत के लालच में नहीं आई। अगर तुम चाहो तो मुझसे कोई भी एक इच्छा पूरी करवा सकती हो। नहीं, बस आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। पूनम के इतना कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी पूनम को उसके घर पहुंचा देती है। पूनम को अचानक से अपने पास देखकर विकास और बबीता खुश हो जाते हैं। पूनम मेरी प्यारी बच्ची, तू आ गई, इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे तुझे किसने दिए? पूनम अपनी माँ को सारी कहानी सुनाती है और यह सारी बातें सुनकर वो बहुत खुश होती है और मन ही मन तीनों घरों का धन्यवाद देती है। इसके बाद पूनम अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मैं आपके पैरों का इलाज शहर के बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगी और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और आप पहले की तरह चल फिर सकेंगे। अब हमारे पास इतना धन दौलत है कि हम शहर में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं और वहाँ पर एक दुकान खोलेंगे और वहीं पर रहेंगे। इसके बाद पूनम अपने पिताजी का शहर के एक बड़े अस्पताल में इलाज करवाती है और इस तरह कुछ ही महीनों में पूनम के पिताजी वापस पहले की तरह चलने फिरने लगते हैं और अब पूनम के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद पूनम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।